नवी मुंबई नेटवर्क। भाजपा विधायक गणेश नाइक पर आरोप लगाने वाली दीपा चौहान के यू टर्न से गरमाई नवी मुंबई की सियासत। आखिर किसकी है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी, जनता के कटघरे में उठे सवाल। अब तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एरोली के विधायक गणेश नाइक के खिलाफ बलात्कार और धमकाने का संगीन आरोप लगाने वाली दीपा चौहान ने अचानक यू टर्न लेते हुए नेरुल और सिबड़ी पुलिस स्टेशन में एक अर्ज देकर गणेश नाइक के खिलाफ दर्ज अपनी सभी शिकायत को पीछे लेते हुए भाजपा विधायक मंदा मात्रे और शिवसेना के जिला प्रमुख विजय चौगले पर कई आरोप लगाए हैं। दीपा चौहान ने आरोप लगाया है कि मंदा मात्रे और विजय चौगले ने अपने राजकीय फायदे के लिए उसे विधायक गणेश नाइक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उकसाया। दीपा चौहान के इन्हीं गंभीर आरोपों के बाद मंदा मात्रे ने कहा कि उनका नाम इस मामले में आने से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी। पत्रामध्ये माझा उल्लेख असल्यामुळे या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याकडे मी चौकशीची मागणी माझ्या पत्राद्वारे केलेली आहे की संपूर्ण या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि या प्रकरणामध्ये माझं नाव गोवण्याच्या मागे कोणाचा हात आहे हा लोकांसमोर आला पाहिजे। कारण या पत्रामध्ये तिने दिलेलं आहे की माझ्या जीवाला धोका आहे। जर तिच्या जीवाला धोका आणि उद्या जर तिला काही कमी जादा झालं तर ते प्रकरण माझ्यावरच शेकवतील विरोधक। कारण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्या पद्धतीने ते पत्र तयार केले, सह्या बघा वेगवेगळ्या सह्या आहेत प्रत्येक पत्रावर, मला त्या महिलेबद्दल काही बोलायचं नाही। माझ्यावर जे आरोप केले त्याची मी चौकशीची मागणी, कारण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे चौकशी येऊ द्या, चौकशीचा निर्णय येऊन द्या, मग मी तुमच्याशी परत डायलॉग करेन। वहीं पार्टी के नवी मुंबई जिला प्रमुख विजय चौगले पर लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए किशोर पाटकर ने कहा कि वह इस मामले में कोर्ट में इंटरवेंशन करेंगे। इन द मीन टाइम हम लोग उनके केस में इंटरवेंशन करने वाले, अभी उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है अभी हमारे पार्टी चीफ का उन्होंने नाम लिया है तो हमको भी अधिकार आ जाता है कि उनके इसमें इंटरवेंशन करो। कोर्ट को पूछे बाबा इसमें सही क्या है, ये क्यों गणेश नाइक साहब को बदनाम कर रहे या फिर इनको बदनाम कर रहे, कुछ तो दोनों में से एक आरोप सच होगा ना। सब फोटो घूम रहे थे, सब बात रिकॉर्डिंग आ रही थी बाहर, वीडियो शूटिंग बाहर आ रही थी, इसका पूरा चौकशी होना चाहिए। हमारी पार्टी कोर्ट की तरफ से लड़ाई लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।